करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे एक नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे राइस मिल के बारे में। दोस्तों राइस मिल नाम सुनते ही आपको लगता है कि एक बड़ी कंपनी हो सकती है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, 250-60 लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। और राइस मिल ही के बारे में आज इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला कोई एक धान है, एक जिसको आप बोल सकते हो कि कोई दाना है, तो वो है चावल, जिसे धान से बनता है। तो हम इसके बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि इसकी खपत सबसे ज्यादा है आपकी। ना तो तूर की इतनी खपत है, ना तो गेहूं की इतनी खपत है, ना तो किसी और दाल की, क्योंकि राइस दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं हर मुल्क, एशिया में सबसे ज्यादा। और एशिया में जैसे कंज्यूम करते हैं वैसे अलग और मुल्कों में भी करते हैं। और हम उन बिजनेस की बात करते हैं जिस बिजनेस एक इंडिविजुअल लेवल पे जिस बिजनेस को ले जा सोचा जा सकता है, क्योंकि जो बंदा 50-60 लोगों का इन्वेस्ट करके कुछ 20-25 लाख रुपए डाल के कुछ काम स्टार्ट करता है तो शायद वो यूट्यूब नहीं देखता है, यूट्यूब देख के बिजनेस नहीं करता। हम लोग उन लोगों को मोटिवेट करते हैं जो अभी यूट्यूब देख रहे हैं, जिसको एक चाहत है कि कुछ छोटा मोटा बिजनेस करें, कुछ कमाएं, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। दोस्तों अगर आप इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में देखते हो, जैसे कर्नाटका है, साउथ इंडिया है, और आप महाराष्ट्र है, और आप उड़ीसा में भी देख सकते हो, और आप वेस्ट बंगाल में भी देख सकते हो कि धान की उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा है, और धान का रेट जो होता है, प्राइस जो होता है, वो सबसे कम होता है। और धान से ही चावल बनता है, ये सबको पता है। तो दोस्तों क्या हम एक 20-25 हजार रुपए दे के एक मशीन खरीद के उस धान को चावल में बना सकते हैं? अगर आप मुझे क्वेश्चन, किसी और को आप ये ना भी बोल सकता है, लेकिन एक जानकारी, कुछ जानकारी है हमारे पास, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम सिंपली आपको बता सकते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस हो सकता है दिमाग से काम करने के लिए, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम है। कोई भी बिजनेस हो जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होता है, और वो धीरे 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 करके ग्रोथ करने वाला बिजनेस होता है, वही एक सक्सेसफुल बिजनेस होता है। आप पहले 2-3 करोड़ डाल के बिजनेस स्टार्ट करके आप महीना 2-4 लाख रुपए कमाते हो, तो वो बिजनेस कोई कमर्शियली गुड बिजनेस नहीं होता है। तो आज हम बिजनेस, जैसे कि मैं बता रहा था कि राइस मिल, एक अच्छी सी अच्छी मशीन आप 30 हजार के प्लस से जा सकते हो, और नॉर्मल मशीन भी आप 18-20 हजार में भी खरीद सकते हो। इस तरह की एक मशीन खरीद कर हमारे आसपास में जहां पे भी धान मिलता है, उस धान को लेके एक वर्कर, अगर इनिशियल कंडीशन आप खुद कर सकते हो तो वो भी बेटर है, 100 स्क्वायर फीट का एक कमरा, और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये डिसाइड करती है कि आप कितना कमाते हो। आपका प्रोडक्शन नहीं डिसाइड करता है, आपकी क्वालिटी नहीं डिसाइड करती है, ऑफकोर्स क्वालिटी डिसाइड करती है एक लेवल के बाद, आपकी जो मार्केटिंग की स्किल है, मार्केटिंग की जो क्षमता आपके पास है, वो डिसाइड करती है कि आप कितना बिजनेस कर सकते हो और कितने बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। तो आप कस्टमर कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में चावल का कस्टमर ढूंढने की जरूरत है, वो खुद मिल जाएगा। और आप इस लेवल के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो छोटे रेंज से, छोटे टारगेट, और उसको बड़ा कर सकते हो। आप इतना बड़ा कर सकते हो, आपके लिमिट के हिसाब से बड़ा कर सकते हो, लेकिन सडनली बड़ा तो नहीं कर सकते, और वो हम लोग आपको रिकमेंड भी नहीं करते कि एक ही बार बड़ा करने का सोचने के लिए। तो कुछ मशीन्स आप कहीं भी खरीद सकते हो, आपके नेटवर्क में, आपके पहचान के यहाँ पे कहीं भी देख सकते हो। कुछ मशीन हम लोग आपको लिंक देंगे, जरूरी नहीं कि वहां से ले, कुछ फोटोज शेयर करेंगे आपको, मैं भी डिस्क्रिप्शन में कुछ फोटोज लगा रहा हूँ, पीछे बैकग्राउंड में भी कुछ फोटोज चल रही है, उसका प्राइस भी है कितने में ये मशीन मिलता है। बट मैं चाहता हूं कि आप ऑनलाइन से बेटर है ऑफलाइन में कहीं ये मशीन देखिए, क्योंकि उसकी सर्विस काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ऑनलाइन भी आप खरीदते हो, आजकल बहुत कंपनी ऑनलाइन कंपनी भी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, उनका सर्विस एक बार देखिए, और आप ये रिस्क ले सकते हो एक मीडियम लेवल पे। 30 हजार का रिस्क बड़ी बात नहीं है, अगर बिजनेस कोई इंडिविजुअल पे एक बिजनेस सेट करते हो, आपके पास खुद क्लाइंट आता है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। याद रखना, इस बिजनेस में सिर्फ आपकी मार्केटिंग, आपका धान से चावल बनाने के लिए 20 रुपया खर्चा आएगा एक किलो को, और वो चावल आप बेचोगे 40 रुपये से कम नहीं। तो आप समझिए, आप 100% मुनाफे पे काम कर सकते हो, 100%। कोई भी बिजनेस नहीं है कि इतना ज्यादा, आप 100 तो छोड़ो, 50% भी कंसिडर करके चलते हो तो आपका बिजनेस कभी लॉस में नहीं जाएगा। आप जितना मैन पावर चाहिए आप उसको कंज्यूम करिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का खर्चा इसमें कम रहेगा। अगर रूरल एरिया में कर रहे हो, गांव एक के एरिया में, तो आपका इलेक्ट्रिकल का बिल और कम आएगा। तो इस तरह के वीडियोस में बनाते रहता हूं,
आप लोग हमारे साथ कनेक्ट करके रहिए और हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे बिजनेस, इस बिजनेस में नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं। आप हमारे साथ कनेक्ट करके रहिए, कमेंट में रखिए कि आपका कुछ और प्लान है, कुछ और आप इसके बारे में बता सकते हैं तो हमको बताइए। और आपका कोई प्लान है कुछ बिजनेस करना है तो हमें एक ऑप्शन देते हैं, कभी आपको हम करने के लिए उत्साहित नहीं कर सकते। जोश में कोई भी बिजनेस नहीं होता है, आप आपके दिमाग से, आपके रिस्क से ये बिजनेस के बारे में सोचिए। काफी पोटेंशियल वाला बिजनेस है, दम है बिजनेस में। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।